बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज की वीडियो में हम देखने जा रहे हैं कि इंग्लिश क्लास 7 बेस्ड ऑन सिंगल नेशनल करिकुलम की हम तैयारी कैसे कर सकते हैं। जो फाइनल टर्म हम जा रहे हैं, हम उसमें इंग्लिश की तैयारी कैसे कर सकते हैं। हमारे पास इंग्लिश की किताब है, आपने इसमें से चंद चंद चीज़ें करनी है। कुछ चीज़ें आप लोगों ने जस्ट तैयार कर लेनी है, बाकी आपके पास बहुत जल्द आपके पास ओरिजिनल पेपर आने वाला है, आप लोगों ने उसको फॉलो कर लेना है। लेकिन ओरिजिनल पेपर आने से पहले आप लोगों ने नहीं बैठना, आपने अपनी तैयारी करनी है। हम अपने चैप्टर नंबर 1 की तरफ जाएंगे और चैप्टर नंबर 1 को हम देखें कि इसके अंदर हम क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं। देखिए, चैप्टर नंबर 1 है द लास्ट सरमन ऑफ रसूलुल्लाह खातमुन्नबियीन सल्लल्लाहु अलैहि वसहाबी वसल्लम। ये चैप्टर नंबर 1 है। आपने इसमें से कौन सी चीज़ें तैयार करनी है कि आपको वो फाइनल टर्म में काफ़ी फ़ायदा दे। जैसे कि आपको पता है कि जो फाइनल टर्म का पेपर होने जा रहा है वो 100 मार्क्स का होने जा रहा है। आप लोगों ने 100 मार्क्स में से आपने अपनी तैयारी करनी है। 100 मार्क्स में से 50 नंबर का जो पेपर होगा वो ऑब्जेक्टिव टाइप होगा और बाकी जो 50 नंबर का होगा वो सब्जेक्टिव टाइप होगा। तो आपने फाइनल टर्म के पेपर अपलोड होने से पहले पहले आपने ऑब्जेक्टिव को तैयार कर लेना है। अब उनको आपने तैयार कैसे करना है ये देखिए। सबसे पहले आपने चैप्टर नंबर 1 की एक्सरसाइज के ऊपर आ जाना है। जो आप चैप्टर 1 की एक्सरसाइज के ऊपर आएंगे तो आप देखेंगे यहाँ पे पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, स्टेट वेदर द क्वेश्चन ब्लू आर एथेटिकल आर नॉट। आपने इनके आंसर बताने हैं, आप लोगों ने इसको छोड़ देना, आप लोगों ने इसको तैयार नहीं करना। इसके पार्ट 2 को भी आपने तैयार नहीं करना, 3 को भी आपने तैयार नहीं करना। नेक्स्ट यहाँ पे बी पार्ट में के अंदर कहा जाता है रीडिंग एंड क्रिटिकल थिंकिंग क्वेश्चन, ये भी आप लोगों ने नहीं करने, से भी आपने छोड़ देना। हमने जस्ट ऑब्जेक्टिव के ऊपर फोकस करना है, क्योंकि अगर हम अपनी ऑब्जेक्टिव को अच्छे तरीके के साथ तैयार कर लेते हैं तो 50 नंबर हमारे यहाँ पे मुकम्मल हो जाते हैं और जो बाकी 50 नंबर हो गए वो हमारे पास जो फाइनल टर्म पेपर आपको इस चैनल के ऊपर मिलेगा आप लोग उससे फॉलो कर लीजिएगा, वहाँ से आपका जो 50 नंबर का पेपर है वो भी कम्प्लीट हो जाएगा। लेकिन फाइनल टर्म के पेपर अपलोड होने से पहले पहले आप लोगों ने अपनी ऑब्जेक्टिव अच्छे तरीके के साथ तैयार करनी है। अच्छा, आपने तैयार क्या करना है, एक्सेस के ऊपर आके यहाँ पे पोर्शन नंबर बी के अंदर सेकंड पार्ट है सर्कल द साइलेंट लेटर इन द गिवन वर्ड। यहाँ पे ये जो चार चार वर्ड दिए हुए हैं आपने इसमें से सर्कल करना है साइलेंट लेटर को। तो इसमें से आपने जो पार्ट नंबर 2 है ये वाला, ये जो कम्प्लीट क्वेश्चन है आप लोगों ने इसको तैयार कर लेना है। ये आपके पास हेल्पिंग बुक मौजूद है, वहाँ पर आपने इनकी आंसर ढूंढने हैं और आपने इसको तैयार करना है। ये आपकी ऑब्जेक्टिव के अंदर आएगी, लिहाजा आपने इसका जो सेकंड वाला पार्ट है ये आप लोगों ने एक ये पार्ट आपने याद करना है। जस्ट ये तीन पार्ट है, अपने तीन क्वेश्चन है, अपने ये तैयार करने हैं। नेक्स्ट हम आएगा तो यहाँ पे हमारे पास जो थर्ड पार्ट आता है सर्कल द करेक्ट आंसर चॉइस। यहाँ पे अपने MCQs जहाँ के पास दिए हुए हैं आप लोगों ने इसको तैयार करने हैं। जो आपका 50 नंबर का पेपर होगा वो MCQs टाइप ही होना है, लिहाजा आपने इसका जो थर्ड वाला हिस्सा है ये MCQs आप लोगों ने तैयार लाजमी करना है। इसके अंदर हमारे पास टोटल 11 MCQs है, ये आप लोगों ने तैयार करना है। ये दो चीज़ें होगी, ये तीसरी चीज़ जो आप लोगों ने तैयार करनी है वो आ जाएगी पार्ट नंबर 5 के अंदर वर्ड्स मीनिंग। ये वर्ड मीनिंग आप लोगों ने तैयार करने हैं, बस जस्ट हमारे पास एक बॉक्स है, ये आप लोगों ने वर्ड मीनिंग तैयार करने हैं, इसमें से आपका जो पेपर है वो आएगा। ये तीन चीज़ें होगी, चौथी चीज़ जो आप लोगों ने तैयार करनी है वो हम नीचे आएंगे। तो यहाँ पर सारी चीज़ें आप लोगों ने छोड़ देनी है, ये क्वेश्चन आंसर नहीं करने। नेक्स्ट मेरे पास आएगा ये सी पार्ट वोकैबुलरी एंड ग्रामर, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके पेपर पॉइंट ऑफ व्यू के साथ। ये जो शॉर्ट MCQs है टिक करना है अपने करेक्ट ऑप्शन के ऊपर, इफ लगना है कि दे लगना है, यू या आवर लगना है, ये जो ऑप्शंस है ये आप लोगों ने तैयार करने हैं। ये चौथी चीज़ है जो आपने अपने बुक में से तैयार करनी है फाइनल पेपर से पहले पहले। देन थोड़ा सा हम नीचे आएंगे तो यहाँ पे हमारे पास एक लास्ट चीज़ आ जाएगी, ये जी वर्ड पार्ट ऑफ स्पीच, ये आप लोगों ने तैयार करना है अपने, और काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन जोन से, ये तीन चीज़ें जोन से ये आप लोगों ने तैयार करनी है। चैप्टर नंबर 1 में जो आप लोगों ने तैयार करना है वो ये पांच चीज़ें हैं जो आप लोगों ने तैयार करनी है। मैं एक दफ़ा आपको दोबारा बता देता हूँ, एक तो आगे मेरे पास ये वर्ड पार्ट ऑफ स्पीच काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल, एक ये आप लोगों ने तैयार करना है। दूसरा मेरे पास आ जाएगा ये टिक द करेक्ट ऑप्शन, ये मेरे पास टोटल 8 है, आप लोगों ने इसको तैयार करना है। नेक्स्ट अगर हम थोड़ा सा ऊपर आते हैं तो यहाँ पर मेरे पास आ जाते हैं वर्ड मीनिंग, तीसरी चीज़ आप लोगों ने ये तैयार करनी है, चौथी चीज़ आप लोगों ने ये MCQs तैयार करने हैं, सर्कल द करेक्ट आंसर चॉइस, और जो पांच चीज़ आप लोगों ने तैयार करनी है वो साइलेंट लेटर आप लोगों ने तैयार करने हैं। ये पांच चीज़ें अगर आप बुक में से तैयार कर लेते हैं हर चैप्टर की, तो आपका जो MCQs जो पोर्शन होगा वो 100% कम्प्लीट हो जाएगा, और बाकी बात रह जाएगी आपके सब्जेक्टिव पार्ट की। तो सब्जेक्टिव पार्ट बहुत जल्द आपको यहाँ पे मॉडल पेपर भी आने वाले हैं और साथ में गैस पेपर जो फाइनल टर्म का ओरिजिनल पेपर है वो भी अपलोड होने जा रहा है। लेकिन गैस पेपर पहले मॉडल पेपर और गैस पेपर पहले आएगी, और जो फाइनल टर्म का पेपर होगा वो आपका नेक्स्ट मंथ मार्च में आएगा, क्योंकि जो फाइनल पेपर है आपका वो 7 मार्च से शुरू होने जा रहा है। लिहाजा 7 मार्च से पहले पहले आप लोगों ने अपने ये MCQs बड़े अच्छे तरीके के साथ तैयार करने हैं
और साथ में जो मॉडल पेपर आपको पास अपलोड हो गए यहाँ पे आप लोगों ने उनको तैयार करना है। इंग्लिश के जितने भी चैप्टर है आप लोगों ने सेम ऐसे ही आपने इसको फॉलो करना है। अगर आपने किसी और बुक का आपने पैटर्न पूछना है कि उसकी तैयारी कैसे करें तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं आपके लिए वो वीडियो लाजमी बनाऊंगा ताकि आपके जो फाइनल टर्म के जो पेपर है वो अच्छे तरीके के साथ सॉल्व हो सके। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट लाजमी कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ लाजमी शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दे इजाजत, अल्लाह हाफिज़।